मैं रुद्राक्षी झारोटिया अजमेर राजस्थान से हाजिर हूँ अपनी कुछ रचनाओं के साथ। सबसे पहले मैं जन सरोकार मंच के आदरणीय देवेंद्र जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस मंच पर काव्य पाठ करने का सुअवसर प्रदान किया। मैं कवयित्री के साथ एक सरकारी शिक्षिका भी हूँ, इसके अलावा शोधार्थी हूँ। मेरा शोध कार्य मधुकाकरिया मैम के उपन्यासों पर चल रहा है। बात करूँ अपने सृजन की तो हाल ही में कलमकार मंच द्वारा मेरी काव्य संग्रह की पहली पुस्तक क्योंकि बस इतना ही प्रकाशित हुई है। इसके पहले मेरी अनेकों कविताएं देश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुकी है। कविताओं के अलावा मैंने कहानियां और लेख भी लिखे हैं और स्क्रिप्ट राइटिंग भी करती हूँ। आज मैं अपनी कुछ रचनाएं सुनाना चाहती हूँ, जिसमें सबसे पहली रचना है, उसका शीर्षक है दौर। बेरुखियों का दौर है, यह पतझड़ मन कुछ नहीं बस रूखी हवाओं का शोर है। नम आँखों की एक कोर है, यह अश्रु और कुछ नहीं निर्जर वन में झरना पुरजोर है। आलम ए हाल नादान है, जताने को और कुछ नहीं ये दिल सूना मकान है। मेरी दूसरी रचना है अपाहिज जिंदगी। सुनिएगा, कुछ ख्वाब दबे पाँव आहट तले दुबके, कुछ ख्वाब दबे पाँव आहट तले दुबके, कुछ तृष्णाएं मुरझाई सी पहली घूंट के साथ ही जाती उतर उधर में, कुछ आवाजें दबी सी चिपकी खामोशी के तालू नीचे, दौड़ रही है कुछ जिंदगियां लिबास में भौतिकता के अपाहिज हो थमी हुई से। अब मैं अपनी तीसरी रचना सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है श्रद्धा। आस्था की दृष्टि जिस छोर तक जाती है, उस क्षितिज के अधखुले दरवाजे के पीछे से श्रद्धा दिखाई देती है। झांकती अबोध निर्मल मन दूध पीती बालिका सी दूधिया दांतों से खिलखिलाती हुई, मासूमियत का श्रृंगार किए मुग्ध सौंदर्य बिखेरती हुई सी। अपनी मैं अंतिम रचना सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है जीवन। जीवन धुएं सा हो जाता है जब कोई नम नेत्रों से देखे स्वप्नों को कचरे की भांति भस्म कर जाता है। अधूरा अस्पष्ट भविष्य फिर जीवन को स्पर्श करके ही ओझल हो जाता है। रहते हैं शेष रक्त से धुले हुए निर्मल मन नम नेत्र नीरव शून्य को टकटकी लगाए हुए अस्थिर अशांत। धन्यवाद।